नमस्कार, मैं सनी तुशीर और इस वक्त मौजूद है भवाना नहर बादली रोहिणी सेक्टर 27 के पास। और बताया जा रहा है कि मेरे पीछे आप जो ये नहर देख रहे हैं, इसमें अभी अभी तीन बच्चे डूब गए थे और फिलहाल तीनों बच्चों को बाहर निकाल तो लिया, लेकिन उनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको बादली रोहिणी सेक्टर 27 से दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर तीन बच्चे नहर में नहाने के लिए आए थे और जैसे ही वे नहाने के लिए अंदर घुसते हैं तो वे डूबने लग जाते हैं। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस के जवान अपनी जान पर खेलकर ना किसी की फिक्र करते हुए लगातार नहर में छलांग मारते हैं और भाई इन तीनों को बचाकर बाहर निकाल लेते हैं। फिलहाल बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं तीनों बच्चों इस नहर में गए थे और उनकी डूबने से उनकी हालत जो है वो नाजुक बन गई, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान ने उनकी जान बचाई है, उन तीनों को बाहर निकाला है। वो आइए जानते हैं किस तरीके। सर, क्या नाम है आपका? कॉन्स्टेबल सुमित देसवाल। कैसे, क्या हुआ ये तीन बच्चों की कॉल मिली थी डूबने की? तीन बच्चे वो नहर में नहा रहे थे, वो नहाते नहाते डूब गए और एक लड़के ने हमारे को चौकी पे आके बताया कि सर तीन बच्चे डूब गए हैं। हमने आके उनको सर्च किया तो हमने जो हमारे गोताखोर भाई और भी हैं इनको बुला के हमने रस्सा लगा के उनको सर्च किया और तीनों को बाहर निकाल के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। तीनों अभी हॉस्पिटल से पता चलेगा उनकी हालत कैसी है। जैसे ही आप यहाँ पे आए तो आपने देखा तीनों बच्चे डूब रहे हैं, आपने अपनी जान पर खेलते हुए नहर में छलांग लगा दी और लगातार तीनों बच्चों को निकालने में आप सक्षम भी हुए हैं। जी सर तीनों बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, आपके साथ गोताखोर भी थे? हाँ जी, अभी आपने भी निकाला? हाँ जी, गोते मारे थे, वो बंदे डूब गए थे। जैसे ही उसे हमारे को सर ने बताया और आते ही हमने अपना सर चालू कर चुके और फिर गोते मारते ही पहला निकाल दिया, फिर दूसरे निकाले, फिर तीसरे निकाले। क्या भी क्या क्या हालत बताई जा रही है? गंभीर हालत है, बच जाएंगे? मुश्किल है सर, एक का तो बिल्कुल चांस है बचने का और बाकी दो का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक के जो धड़कने हैं वो चल रही है और ऊपर से डॉक्टर कह रहे हैं कि हो सकता है कि बच जाएंगे। जी, क्या पता चला, वे नहाने के लिए नहर में कूदे थे या क्या कर रहे थे? वो वैसे ही सर आए थे घूमने घामने या खा पी रहे थे ये तो नहीं पता, लेकिन वो आके कूद गए थे, ये रोड बन रहे थे, वो मजदूर आदमी थे वो, और ये तो उन घर वालों को ही पता था क्या बात थी, नहीं थी कि लड़ाई थी झगड़ा थे और क्यों आके कूद गए, यही सर बातें तो थी। फिलहाल अभी बच जाएंगे, वो उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, जिसमें बताया जा रहा है कि दो की हालत गंभीर बनी हुई है और एक जो है वो बच सकता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के इस जवान ने अपनी जान पर खेलते हुए लगातार ये बच्चे को बाहर निकाला और तीन तीन बच्चों को जो है वो बाहर निकाला। आप देख सकते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस का जवान है और जैसे इनको सूचना मिली है वैसे ही ये यहाँ पर पहुंचे और तीनों बच्चों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी कर दिया। इन्होंने गोताखोरों को बुलाया, गोताखोर भी लगातार छलांग मारते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से तीनों बच्चों को फिलहाल सुरक्षित निकाल लिया जाता है और अब उनको हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट करवा दिया जाए जहाँ पर उनकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने अपनी जान पर खेलते हुए इन बच्चों को बचाया है। लगातार ये यहाँ पर आए तो आपने आते ही छलांग मार दी या किसी के आने का वेट किया? नहीं सर, हमने आते ही अपनी छलांग लगा के उनको ढूंढना सर्च कर दिया था और इससे पहले भी दो बच्चों को पहले भी हमने बचाया, कई बार पांच छह बच्चों को बाहर निकाल सके। तो आपने जैसे ही छलांग मार दिया पर और भी गोताखोर आपने बुलाए? पहले तो मैं ही था सर, लेकिन फिर हमने फोन करके औरों को भी बुलाया, फिर रस्सा लगा के इसको अच्छे से सर्च करा और उनको निकाल लिया। आपको डर नहीं लगा? आपको तैरना आता था? तैरना आता सर, बचपन से। अच्छा, आता था, लेकिन फिर भी आपने अपनी जान को जोखिम में करते हुए अकेले ही छलांग मार दी? जी जी सर, बिल्कुल। ये दिल्ली पुलिस के जवान है और इन्होंने लगातार इन बच्चों को बाहर निकालने में अपनी पूरी जो है जान जोखिम में डालकर इन बच्चों को भवाना नहर से बाहर निकाला है। फिलहाल बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर रोहिणी सेक्टर 27 में ये यहाँ पर मजदूर का काम करने आए थे अपने माता पिता के साथ। जैसे ही माता पिता वहाँ पर काम करते तो ये बच्चे भवाना नहर में जो है वो नहाने ने लग गए थे और नहाते नहाते इनके पैर स्लिप हो जाते हैं। क्या होता है कारणों का भी पता नहीं, लेकिन ये डूबने लग जाते हैं और डूबते ही जैसे दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना मिलती है तो दिल्ली पुलिस का एक जवान एक कॉन्स्टेबल जो है वो यहाँ पर आता है और वो इन बच्चों को बचाने के लिए नहर में कूद जाता है और आखिरकार इन बच्चों को बाहर भी निकाल लेता है। फिलहाल जब दिल्ली पुलिस के जवान को लगा कि ये बाहर अकेला नहीं निकाल सकता तो गोताखोरों को बुलाया जाता है। ये गोताखोर है जिन्होंने भी पूरी हेल्प की है यहाँ पर और इन बच्चों को निकालने में, और दिल्ली पुलिस के जवान की ये अहम भूमिका रही है इन बच्चों को बचाने में। कहीं ना कहीं जो सत्य सेव और न्याय के लिए हमेशा निष्ठा पे खड़ी रहती है, आज उसी पुलिस के जवान ने इन बच्चों को बचा लिया। घर के तीन चिराग बुझने से जो है वो बचा लिया, लेकिन अब तो भगवान उन्हें बचाए क्योंकि अभी जो है इन्होंने निकाल तो लिया है लेकिन उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो
बवाना नहर लगातार जो है वो खूनी नहर बनती जा रही है। अभी भी कुछ दिन पहले बवाना जे कॉलोनी के भी 3 बच्चे डूब कर यहाँ पर इनकी मौत हो गई थी और आज फिर 3 बच्चे बवाना नहर में डूबे हैं रोहिणी सेक्टर 27 के पास। लेकिन आज दिल्ली पुलिस के इस कॉन्स्टेबल ने अपनी जान पर खेलते हुए इन बच्चों को जो है वो बचा लिया है, निकाल लिया है समय रहते। फिलहाल 3 बच्चे अभी हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में उनकी जांच की जा रही है, हॉस्पिटल में उनको जो फर्स्ट एड है वो दी जा रही है। देखते रहिए संभव शुक्ला के साथ, मैं सन्नी तुशीर, दिल्ली समाचार।